मम्मी मम्मी, क्या मैं भी पापा के साथ जंगल में लकड़ियाँ तोड़ने जाऊँ? ठीक है बेटा, पर अपने पापा से भी पूछ लो कि वो ले जाएंगे कि नहीं। पापा पापा, मैं भी आपके साथ चलूं जंगल में लकड़ियाँ तोड़ने? ठीक है बेटा, चलो जल्दी से ट्रक में बैठ जाओ। तुम यहीं ट्रक पर बैठो, मैं ज़रा पेड़ से लकड़ियाँ तोड़ कर ले आता हूँ। कहीं जाना मत, यहीं रहना। ठीक है पापा। चलो इसी पेड़ से लकड़ियाँ तोड़ लेता हूँ। अरे नहीं, इस पेड़ पे तो कोई भी सूखी लकड़ी नहीं है। अब मुझे किसी और पेड़ पर ही देखना होगा। पेड़ पर तो सूखी लकड़ियाँ बहुत ही दिख रही हैं, इधर से ही तोड़ लेता हूँ। अरे यहाँ से तो सीधा मेरे मुंह पर ही धूप पड़ रही है। जल्दी लकड़ी तोड़ के घर चलता हूँ, शालू मेरा इंतजार कर रही होगी। बहुत सारी लकड़ियाँ तोड़ ली मैंने तो, अब नीचे चलता हूँ। चलो अब जल्दी से लकड़ियाँ इकट्ठी कर लेता हूँ, फिर बांध कर घर ले जाऊँगा। आज तो मैंने बहुत सारी लकड़ियाँ तोड़ ली, अब कल तोड़ने की ज़रूरत नहीं पड़ेगी। अरे रिया बेटा, मैं आ रहा हूँ, डरना नहीं। अरे वाह पापा, आपने तो बहुत सारी लकड़ियाँ तोड़ ली। हाँ हाँ बेटा। अरे नहीं बेटा, मैंने आते वक्त तो ध्यान नहीं दिया, हमारी गाड़ी एक दलदल में धंसती जा रही है, हमें जल्दी कुछ करना होगा। अरे इतना वक्त हो गया, अभी तक रिया के पापा जंगल से लकड़ियाँ लेकर लौटे नहीं, अब तक तो आ जाना चाहिए था। जाकर देखती हूँ कहाँ रह गए ये लोग, जल्दी जाती हूँ। वो लोग तो यहाँ है नहीं, मुझे जंगल के और अंदर जाना होगा, जल्दी जाती हूँ। अरे ये क्या हुआ रिया के पापा, अपनी गाड़ी दलदल में कैसे फंस गई? अरे मेरी ही गलती है, मैंने ही पहले ध्यान नहीं दिया और ले आकर अपनी गाड़ी दलदल में फंसा दी। रुको मैं गाड़ी स्टार्ट करता हूँ और तुम पीछे से धक्का लगाओ। ठीक है मैं धक्का मारती हूँ। हाँ हाँ मम्मी, और जोर से। मैं गिर गई, चलो कोई बात नहीं, गाड़ी तो निकल गई। अरे मेरे मुंह पर तो कीचड़ लग गया, चलो घर जाकर अपना मुंह भी धो लूंगी। मम्मी आपके चेहरे पर क्या लग गया? अरे बेटा वो धक्का लगाते वक्त मैं नीचे गिर गई थी ना, इसीलिए। अरे शालू, तुम्हारे मुंह पर इतना कीचड़ कैसे लग गया? अरे गाड़ी स्टार्ट होते ही तुम लोग तो चले गए, पर मैं नीचे गिर गई इसीलिए मेरे मुंह पर कीचड़ लग गया। अरे कहीं तुम्हें चोट तो नहीं लगी? नहीं नहीं चोट तो नहीं लगी, बस मुंह पर कीचड़ लग गया। चलो मैं अपना मुंह धोकर आती हूँ, तब तक आप गाड़ी में से लकड़ियाँ नीचे उतार दीजिए। अरे कितना कीचड़ लगा है, हट ही नहीं रहा है मेरे मुंह से। चलो किसी तरह साफ हो गया। ये लो शालू, मैंने सारी लकड़ियाँ नीचे उतार दी। अच्छा अच्छा ठीक है। अरे अब तक तो मेरी साड़ी सूख गई होगी, उतार कर घर में रख लेती हूँ, कहीं उसका रंग ना खराब हो जाए। जल्दी जाती हूँ। चलो इसे अंदर रख देती हूँ। अरे घर में तो मिर्चा ख़त्म हो गई है, जाकर खेतों से तोड़ लाती हूँ। मम्मी मम्मी, मैं भी आपके साथ खेतों में मिर्चा तोड़ने चलूँ क्या? ठीक है रिया, अगर तुम भी चलना चाहती हो तो चल लो मेरे साथ। अरे अब ये टोकरी कहाँ रख दी मैंने, पता नहीं कहाँ रख दी, कल तो यहीं थी। चलो चलकर ढूंढती हूँ। अरे रिया के पापा, कहीं आपने मेरी टोकरी देखी? अरे नहीं नहीं मैंने तो नहीं देखी, ढूंढ लो यहीं कहीं होगी।
अरे मैंने भी पता नहीं कहाँ रख दी, कल तक तो यहीं पड़ी हुई थी, ढूंढना होगा। अरे ये रही टोकरी, इन दोनों के बीच में पड़ी है, तभी तो दिख नहीं रही थी। मैं भी ना कितनी मुलक्कड़ हूँ, कल रात को यहीं रख कर और आज भूल गई। चलो टोकरी तो मिल गई, अब रिया को बुला लेती हूँ। चलो रिया चलते हैं। चलो चलो मम्मी चलते हैं। मम्मी मम्मी आपकी टोकरी में बैठने में तो बहुत ही मज़ा आता है। अच्छा तो चलो फिर चलते हैं। रिया बेटा तुम यहीं खड़ी रहो और कहीं जाना नहीं, और हाँ मिर्चा को तो बिल्कुल मत छूना वरना आँखों में जलन होगी। ठीक है मम्मी। मम्मी मम्मी वो रही मिर्चा। ये रही मिर्चा। अभी मिर्चा छूटेगी। अरे ये तो लाल मिर्च है, चलो मैं ही इसे तोड़ देती हूँ। अरे मेरी आंखों में इतनी जलन क्यों हो रही है? बहुत जलन हो रही है। अरे ये तो रिया की आवाज़ है, चलकर देखती हूँ क्या हो गया। अरे क्या हुआ रिया बेटा, तुम इतना रो क्यों रही हो? मम्मी मुझे एक लाल मिर्च दिखी तो मैंने सोचा उसे तोड़ लूँ, और मैंने गलती से अपनी आँख छू ली, इसीलिए मैंने तुम्हें मना किया था कि मिर्च मत तोड़ना। और इसी तरह रिया की मम्मी उसे बहुत डांटती है। चलो घर चलते हैं जल्दी, तब मैं तुम्हारी आंखें धो दूंगी। ठीक है मम्मी। रिया की मम्मी उसे घर लेकर जा रही है ताकि उसकी आंखें धोई जा सके। रिया बेटा थोड़ी देर अपनी आंखें बंद कर कर कुर्सी पर बैठ जाओ, थोड़ी देर में ठीक हो जाएगा। अरे इस लड़की के चक्कर में मैं मिर्चा तो वहीं भूल आई, अब जल्दी से जाकर लेकर आती हूँ, कहीं पता चले कोई और ही ले गया। शुक्र है कोई आया नहीं। चलो अब जल्दी से इसे घर लेके चलती हूँ और खाना भी बना लेती हूँ, उसके पापा को भूख लगी होगी। लगता है मेरी मिर्चा कोई और ही तोड़ कर ले जाता है, नज़र रखनी होगी। चलो अब जल्दी से खाना बना लेती हूँ, सोच रही हूँ आज दाल चावल बना दूँ। चलो मैंने आग तो जला ली, अब खाना बना लेती हूँ। चलो दाल तो बन गई, अब चावल बना लेती हूँ। खाना बना कि नहीं? बहुत भूख लगी है। खाना तो बन गया है, जल्दी से आ जाइए नीचे। चलो खाना तो बन गया है, भूख भी लगी है, जल्दी जाता हूँ। चलो खाना शुरू करते हैं। खाना देखने में तो बहुत ही स्वादिष्ट लग रहा है, खाकर देखता हूँ। चलो मैंने खाना तो खा लिया है, अब थोड़ा आराम कर लेता हूँ, फिर शाम को गाय का घर बना दूंगा। तो दोस्तों अगले पार्ट में आप लोग देखेंगे कि रिया के पापा गायों के लिए घर बनाते हैं, तो उस वीडियो को मिस ना करने के लिए हमारे चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिए। और अगर आज की वीडियो आप लोगों को अच्छी लगी है तो इसे लाइक शेयर कमेंट करना ना भूलिएगा। धन्यवाद।